साजिद खान, जीएस वीएस इंटर कॉलेज महाराजगंज में कक्षा 11वीं का छात्र हूँ और गोरखपुर मंडल से बिलोंग करता हूँ। मैंने 47वीं पंडित जवाहरलाल नेहरू गणित विज्ञान एवं पर्यावरण प्रदर्शनी में मंडल स्तरीय कार्यक्रम में प्रतिभाग किया और प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में प्रतिभाग करने का मौका प्राप्त किया। मेरा विषय मुख्य विषय रहा सतत कृषि विकास पद्धतियाँ। उसमें मैंने मत्स्य पालन को करते हुए बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग का उपयोग किया है, जिसमें मैंने बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग के लिए एक क्रियाकारी प्रदर्श यानी मॉडल दिखाया है। इसमें बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग में सबसे बढ़िया फायदा ये है कि कम समय, कम खर्च और कम जगह में अधिक से अधिक मछली का उत्पादन लिया जा सकता है, जो कि आजकल के तालाब वाले बिल्कुल ही नहीं कर पा रहे हैं। 2-3 हेक्टेयर का तालाब खुदवा कर परेशान है लोग। कभी पानी सूख जाता है तो कभी अमोनिया का प्रॉब्लम आ जाता है, तमाम ऐसी सारी कई सारी प्रॉब्लमें आ जाती हैं। लेकिन इस बायोफ्लॉक टैंक में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि ये वैज्ञानिक तरीका है, ये एक नव प्रवर्तन है और इसको जो भी करेगा वो बहुत ही खुश रहेगा। और इसके ईजादकर्ता प्रोफेसर योरम ओली मले हैं, जो इजराइल के एक प्रख्यात साइंटिस्ट हैं। उन्होंने इसका ईजाद किया और लोगों को करने के लिए बताया और लोगों ने किया। आज हमारे हिंदुस्तान में भी तमाम लोग कर रहे हैं। हम लोग खुद अपने यहाँ महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में अपने घर पे करते हैं। इस समय हमारा 8 टैंक रनिंग पे है और हम लोगों ने एक बार हार्वेस्टिंग ले लिया है। 40 क्विंटल माल हम लोगों ने मछली का प्राप्त किया और हम लोगों ने बेच के बहुत अच्छा ही फायदा कमाया, जिससे मुझे ये लगा कि मुझे इस मॉडल को, इस प्रदर्श को राज्य स्तरीय नहीं राष्ट्रीय लेवल पर ले जाना चाहिए और भारत के किसानों को, जो कि अन्नदाता कहे जाते हैं, उनके लिए ये चीज़ देना चाहिए ताकि वो करें, अधिक से अधिक लाभ कमाएं और किसान अधिक से अधिक इससे लाभ प्राप्त कर सकें। इसमें मैंने अभी बताया है कि कम जगह, यानी कि इसके लिए कम जगह इसलिए होता है क्योंकि ये वृत्ताकार अगर बनाते हैं सर्कुलर, तो इसके लिए 4 डायमीटर चाहिए, 4 डायमीटर के व्यास के और 1 मीटर ऊंचाई का एक मेस आता है, उसको लगाया जाता है, जो कि अभी मैं आफ्टर सम टाइम मैं आपको अपने टैंक में अपने फार्म में ले चलूँगा, जो दिखाऊंगा कि कैसा है मेरा रियल टैंक। तो मैं बता रहा था कि यहाँ पे मुझे बहुत कम जगह लगेगा और फीड का खर्च कम है। फीड का खर्च इसलिए कम है कि तालाब वाले तमाम तरीके का फीड डालते हैं, दाना डालते हैं, खली डालते हैं, तमाम तरीके का चीज डालते हैं, लेकिन ग्रोथ नहीं ले पाते हैं। लेकिन इस टैंक में हम लोग ये करते हैं कि कोई भी जानवर, हम सब लोग जानते हैं कि खाएगा तो पुट्टी करेगा, यानी कि यूरिया के रूप में आएगा। जब हम मछली को फीड देते हैं तो पोटी करती है, जब पोटी करेगी तो टैंक में अमोनिया आएगा। टैंक में मछली का सीड डालने से पहले, यानी मछली का बच्चा डालने से पहले, हम लोग इसमें प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक नामक एक केमिकल डालते हैं, जिससे इसमें कुछ दिन सैनिटाइज करते हैं। ये हमारा एरिएटर है, एरिएटर के सहायता से इसमें ऑक्सीजन देते हैं और पानी भी घुलता रहता है, और जब पानी घुलेगा तो प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक नाम से जो प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक हम लोग केमिकल डाल रहे हैं, उसमें से एक बैक्टीरिया, एक नहीं कई बैक्टीरिया बैक्सिलस ग्रुप के जो होते हैं वो इस टैंक में उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कि नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनस, बैक्सिलियस इत्यादि कई बैक्टीरिया इस टैंक में उत्पन्न हो जाते हैं, जो मछली जब यूरिया करती है, यानी N3N4 के रूप में जो यूरिया आता है उसको ये लोग प्रोटीन सेल में कन्वर्ट कर देते हैं ऑक्सीजन की सहायता से, और जब प्रोटीन सेल में कन्वर्ट हो जाता है तो ये मछली उसको अपने भोजन के रूप में लेने लगती है, और ये पुनः चक्र चलता रहता है, जिससे हमें फीड बिल्कुल कम देना है। और इसमें फीड बॉडी वेट का 4% दिया जाता है, कुछ लोग इससे भी कम देते हैं, इसका कोई मायने नहीं रखता है। और हमने अभी बताया कि इसमें कम समय लगता है, तो ये रियलिटी है कि कम समय लगता है, क्योंकि हम लोगों ने खुद इसको करके देखा है। आजकल आम तालाबों में 4 महीने में मछली का उत्पादन नहीं लिया जा सकता है, लेकिन हम लोगों ने खुद इसमें 4 महीने में एक टैंक में 5 क्विंटल मछली का उत्पादन लिया है, और ये सत्य है। और हम लोगों ने मार्केट में इसका हार्वेस्टिंग किया है, इसको बेचा है और अधिक से अधिक लाभ कमाया है। हम लोगों ने कामन कार्प और तिलपिया और पंगास तीनों इस समय कर रखा है, और हमारे टैंक में बढ़िया से ग्रोविंग चल रही है। और आजकल की समस्याएं में आता है कि ठंडी है, सर्द का मौसम है, तो मछली ग्रोथ नहीं करती है, लेकिन इस टैंक में एनी टाइम, एनी मौसम, एनी कुछ भी रहे, यानी कि इसमें ग्रोथ हमेशा चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इस चीज़ को देखने के लिए, इस चीज़ को समझने के लिए गोरखपुर से इंडस्ट्रियल ऑफिसर भी हमारे फार्म पे आ चुके हैं। अभी मैं आप लोगों को बता रहा था कि इसकी फैकेलिटीज कितनी हैं। अब इसको तैयार करने के लिए हमने यहाँ पे रखा है डोलोमाइट, इसके अंदर डोलोमाइट पाउडर है जो कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। ये हमारा प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक है विथ FCO, इसको हम लोगों ने अपने घर पे खुद अधिक बैक्टीरिया कॉलोनी तैयार करके बनाया है। और ये है हमारा अमोनिया किट, जिसमें मान लीजिए जब हम लोग मछली सैनिटाइज करके कुछ देर बाद इसे अमोनिया चेक करते हैं कि अमोनिया टैंक में है कि नहीं है। और ये हमारा रॉ साल्ट है, ये हमारे टैंक का वाटर है।
और ये मोलासिस है, यानी कि इसको हमारे यहाँ राब बोला जाता है। ये कार्बन का स्रोत है और अमोनिया आ जाने पर अगर ये डाला जाता है तो बैक्टीरिया हावी हो जाते हैं और इसको प्रोटीन सेल में कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं। और ये है हमारा टेम्परेचर मीटर और इससे TDS भी मापा जा सकता है, जिससे हम लोग टेम्परेचर चेक करते हैं। और यहाँ पे हमारा pH मीटर है, जिससे pH हम लोग अपने टैंक का pH मापते हैं। वैसे pH हमेशा नहीं बढ़ता है, pH को मापने की बहुत कम ही ज़रूरत रहती है। ये हमारा pH मीटर है जिससे हम लोग pH मापते हैं, जो कि pH मीटर हमने बताया कि pH चेक किया जाता है। और दोस्तों सबसे ज़्यादा कि इसमें कम खर्च होता है जल का, इसमें एक बार अगर टैंक में जल भर दिया जाए तो लगातार भरने की ज़रूरत नहीं है। 10 हार्वेस्टिंग 20 हार्वेस्टिंग ले लीजिए, सिर्फ वाटर को ट्रीट करते रहना है। तो इसमें किसान को भी लाभ होगा और आम जनता को लाभ होगा, वो इस तरह क्योंकि उनको ताज़ी सस्ती और फ्रेश मछलियाँ मिल जाएंगी। धन्यवाद।